हेलो गाइस, मैं संजीव राणा आपके लिए कुछ नया लेके आ चुका हूँ। बायोलॉजी 10th क्लास के लिए CBSE बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देखते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज इनकरेक्ट। इस पर बहुत ज़रूरी देखना होता है कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। कम से कम क्वेश्चन को 2 times पढ़िए, जब जाके आपको क्वेश्चन को थोड़ा टैकल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपसे इनकरेक्ट आपको आता होगा आंसर, पर आप आंसर गलत कर दोगे, जैसे कि इनकरेक्ट पूछ के, तो आप ढंग से पढ़िएगा। ए पॉइंट को हम पढ़ते हैं, दे सिंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बी पार्ट में दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ये तो ठीक है। सी पार्ट में दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन टू कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, ये मेरे को कहीं गलत सा लगता है। डी पार्ट में पढ़ते एक बार, दे कंस्टिट्यूट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन, ये तो ठीक है। मतलब कि ए बी और डी बिल्कुल करेक्ट है और सी हमारा इनकरेक्ट है, तो हमसे इनकरेक्ट ही पूछा है तो हम वो तो बता देंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब्ड। ऑप्शन ए मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। बी ऑप्शन ईस्ट एंड मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड। सी पार्ट पैरामीशियम, अमीबा एंड कस्क्यूटा। डी पॉइंट कस्क्यूटा, लाइस एंड टेपवॉर्म। आंसर है बी, ईस्ट, मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड, ठीक है। क्या पूछा क्वेश्चन में, इन विच ग्रुप और फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन टू आउटसाइड द बॉडी एब्जॉर्ब, ठीक है। आंसर सी सही है, बी ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ए माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसोफेगस, लार्ज इंटेस्टाइन, ये तो है ही नहीं भैया, गलत है। माउथ, इसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी गलत। सी में माउथ, स्टमक, इसोफेगस, ये तो गलत। डी पार्ट माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम, इफ सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सलाइवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। तो देखते हैं, प्रोटीन ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू सुगर, ये हो सकता है। फैट्स ब्रेकिंग डाउन इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, आंसर बी ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ते हैं, द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमैक इज प्रोटेक्टेड बाई वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन, पेप्सिन, म्यूकस, सलाइवरी एमाइलेज, बाइल। आंसर है म्यूकस। सिक्स पार्ट है, विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल रिसीव्स बाइल फ्रॉम द लीवर, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसोफेगस। आंसर जो है बी, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेवन क्वेश्चन, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडिड टू राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन। ऑप्शन ए कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ऑप्शन बी सिंपल प्रोटीन, ऑप्शन सी फैट्स एंड ऑप्शन डी स्टार्च। स्टार्च आंसर होगा। विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड इज फाइनली डाइजेस्ट, ऑप्शन स्टमक, माउथ, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। आंसर डी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये तो सबको पता है। चूज द फंक्शन ऑफ द पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग, ट्रैप्सिन, डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज,
कार्बोहाइड्रेट्स, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट एंड लाइपेज प्रोटीन सी। ट्राइप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट डी। ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, मतलब डी आंसर है, ट्राइप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज इमल्सिफाइड फैट। क्वेश्चन की बात करते हैं 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड रिब्स मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेस्ट, जैसे कि सांस ले सकते हो आप, जैसे आप सांस लोगे तो रिब्स जो रिब केज होता है वो मूव इनवर्ड एंड डायफ्राम इज रेस्ट। देखते हैं आगे। सेकंड में इन अल्वोइली, अल्वोइली क्या चीज़ है भैया ये? भाई अल्वोइली आपके लंग्स में होती है, एज अ कॉटन की तरह होती है ये, ठीक है, सैक लाइक बैक स्ट्रक्चर होता है। इन द अल्वोइली एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, दैट इज ऑक्सीजन फ्रॉम अल्वोइलर एयर डिफ्यूजेस इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड इनटू अल्वोइलर एयर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं हम। हीमोग्लोबिन हैज ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन। एंड फोर्थ पॉइंट, अल्वोइली इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये तो बिल्कुल सही है, फोर्थ तो बिल्कुल करेक्ट है एंड सेकंड भी बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर सेकंड और फोर्थ होगा। कहीं है? हाँ है, डी आंसर। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पासेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। नोस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया, लंग्स। नसल पैसेज, ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड अल्वोइली। लैरिंग्स, नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लंग्स। नोस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, अल्वोइली। ऑप्शन डी आंसर सही है, नोस्ट्रिल से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से अल्वोइली। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन ट्रैकिया एंड लैरिंग्स, अल्वोइली ऑफ लंग्स, अल्वोइली एंड थ्रोट, थ्रोट एंड लैरिंग्स। आंसर है बी, अल्वोइली ऑफ लंग्स। क्वेश्चन 13, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। वेल्व इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल ऑफ वेंट्रिकल, थिन वॉल ऑफ आर्ट्रिया, ऑल ऑफ द अबव। सोचो थोड़ा, आंसर है ए, वेल्व्स इन हार्ट। अ 14th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट्स ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन ए पीसीस एंड एम्फीबियंस, ऑप्शन बी एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ऑप्शन सी एम्फीबियंस ओनली, ऑप्शन डी पीसीस ओनली। आंसर डी, पीसीस ओनली। द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, ऑप्शन यूरेटर, यूरेथ्रा, न्यूरॉन, नेफ्रॉन। आंसर डी, नेफ्रॉन। ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम वाटर, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। वाटर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए ऑर्गेनिज्म ग्रो विद टाइम, ऑप्शन बी ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर एंड मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमंग सेल, ऑप्शन डी एनर्जी एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस। आंसर है सी, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक्स प्लेस अमंग सेल। अब बात करते हैं 18th क्वेश्चन की। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड्स अपॉन ऑक्सीजन, टेम्परेचर, वाटर इन गार्ड सेल, डी कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन स्टोमेटा। आंसर सी, वाटर इन गार्ड सेल। क्वेश्चन 19, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन। ऑप्शन है ए प्रोटीन, ऑप्शन बी नाइट्रेट्स, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो आंसर है बी फर्स्ट एंड थर्ड। अब 20 क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू करेक्ट, पाइरूवेट कैन बी कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन बाय ईस्ट, ये ठीक है। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ये ठीक है। आंसर सी फर्स्ट एंड फोर्थ। ट्वेंटी फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर भी देख लीजिए। आंसर सी इज करेक्ट। ड्यूरिंग डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग, पाइरूविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द ऑप्शन साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी। तो भैया इसका आंसर नहीं दिया तो क्या दिया आपने, बताओ। आंसर सी साइटोप्लाज्म, आंसर ए है साइटोप्लाज्म, सॉरी। ठीक है दोस्तों, आज की स्लाइड 20 क्वेश्चंस की थी, बाकी कल हम शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास लेंगे जब आगे देखेंगे। आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।